नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, सिने आजकल और सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं रोज सैनी। आज देखते हैं जेएनके से एनए लोन की खास रिपोर्ट। जेएनके के फुलवामा में एक एसपीओ आपकी अहद बगे पिता अब्दुल अहद बगे उदीपोरा पंजगांव के रहने वाले को अज्ञात व्यक्तियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। एफआईआर भी हुआ मगर अभी तक जेएनके के पुलिस किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया है और उल्टा उसके परिवार वालों को असामाजिक तत्व के व्यक्तियों द्वारा धमकी भी मिल रही है कि तुम लोग इस केस के संदर्भ में कुछ किया तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। सुनते हैं एसपीओ आकिब अहद के पिता क्या कहते हैं। सर, मेरा नाम है अब्दुल अहद वागे, सेना मोहम्मद सुल्तान वागे, मैं कश्मीर का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का। मेरा बेटा एसपीओ 231 बैलेट नंबर जीआरएस मलंगपोरा रेलवे स्टेशन में ड्यूटी है। वो ड्यूटी पर 5:30 बजे घर जाएंगे, वो इसी को ड्यूटी पर कॉल आएंगे, वो गया, कॉल करेंगे मिलिटेंट और सिविलियन मिला हुआ। ये गया उधर 5:30, वो 2 घंटे उससे मार डाला बहुत। वो 7:30 हो गया, इनको मुझे बुलाया, पापा इधर आओ, मेरा टांग भी फायर है। मैं गया उधर, उठाया लिया पुलवामा हॉस्पिटल ने भर्ती किया, बानाबाग हॉस्पिटल श्रीनगर। वो मैंने गया उधर, 3 दिन रहे उधर, 1 दिन उसको बातें नहीं कर दी, 2 दिन उसको बातें कर दी, इनको सब कुछ मुझे बोला, कौन आया कौन गया क्या गया। मैं गया उधर डीएसपी पुलवामा और एसएचओ पुलवामा के पास, मैं उधर गया, उनको बोला चलो आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, 2 दिन के बाद आओ। मुझे लग गया तकरीबन 10 लाख रुपया किराया श्रीनगर आईजी साहब के पास, डीआईजी अनंतनाग के पास और एसएसपी पुलवामा के पास, एसएचओ पुलवामा के पास, सब कुछ। यहाँ तो पुलिस दफ्तर है, मैं गया उधर, उनको बोला चलो बेटा कोई बात नहीं आओ, 2 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद। मैं गया, आज तक हुआ तकरीबन 2 साल मगर कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए डीएसपी साहब ने बोला पहले, भैया एक बात सुनो, जाओ बैठो घर में, कार्रवाई नहीं करूँगा, बैठो, अगर घर में बैठेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगी, मैं बंद रखूँगा यहाँ, इसलिए मैं मुझे घर में नहीं चलूँगा। मुझे इतना झेड़ा आएगा, आज इतना गुस्सा हो गया, आज मुझे दिल्ली 4 बार आए, दिल्ली मैंने सुप्रीम कोर्ट किया केस दर्ज, तो पता नहीं क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मुझे मजबूर गया मीडिया पर आना गया। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि इन सिविलियन और ये पुलिस का ये मिला हुआ, इसको थोड़ा सा आप कार्रवाई करिए। मेरा गुजारिश बस इतना ही है, ये भी मेरा बेटा, देखो मेरा बेटा क्या है, ये मेरा बेटा है, मैं क्या करूँगा, मुझे तबाही हो गई घर में, मुझे तबाही हो गई, और 2 बेटे मेरे घर में, मेरी औरत भी बहुत बीमार थे, आज तो बीमार कल तो बीमार, मैं भी बीमार होंगी, इसलिए क्या करूँगी। मुझे गुजारिश करता हूँ कि मोदी साहब या अमित शाह साहब या राजनाथ साहब के पास मैं आया यहाँ मगर मिलते नहीं, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी आवाज उन तक उठाएंगे, उसको सुनाएंगे और उनको उठाएंगे, सब चाहिए, बस इतना ही मेरा गुजारिश है, ये मेरा बेटा है, क्या करूँगी मुझे यार। ऐसे तो सरकार जम्मू कश्मीर में शांति होने की दवा करती है मगर अभी एक पिता को उसके जवान बेटे को देश की सेवा करते करते जो शहीद हो गया अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आगे इनके ग्रामीण का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। हाँ, जब ये मेरा दोस्त आए गुलाम हुसैन, इसकी जो बेटा मारा था मिलिटेंट ने, उसके साथ बहुत जुल्म हो गई थी। जब एसपी के पास गई थी और डीजी के पास गई थी और गवर्नर के पास गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो गई अभी तक। इसकी बेटे 2, वो उसकी ऑर्डर निकल गई थी सब इंस्पेक्टर एज पुलिस में, इंशाल्लाह उसको ऑर्डर कुछ दिन ही में निकलेंगे, मगर इस लोगों को बहुत ये भूल ख्याल है, इसका बेटा हमारा उसको आगे पीछे कोई नहीं है, मगर इसके पूछने वाला बहुत कुछ है, मगर उस लोगों को भी ख्याल रखना, दोबारा अगर इसके साथ कोई हादसा हो गई उसकी जिम्मेवार है पुलिस, मगर इसका बहुत मुसीबत है घर में और कुछ नहीं है इसका घर में खाने के लिए, मगर मुश्किल बनाया इसको। ओके, अस्सलाम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।